हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमने जो वीडियो देखी थी लास्ट टाइम, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, ऐसे ऐसे टर्म डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जेंडर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उससे रिलेशन में जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम डील किए थे, वैसे ही हम इस वाले वीडियो में भी, इस बारी भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेट करेंगे जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बार सीटेट का पैटर्न, यूपीटेट का पैटर्न सीडीपी में चेंज हो जाएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नए जो ट्रेंड आया है सीटेट का, उसको फॉलो करते हुए आगे चले, और जो आपका एप्लीकेशन का पार्ट है वो अपने आप हो जाएगा डेवलप, अगर आप उसको अपनी रोज की जिंदगी से डेवलप करें। अब जैसे अगर मैं अपना केस लूँ, तो मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं किसी की दो लोगों की बातें सुन रही हूँ, मैं वहां पे सोचने लग जाती हूँ कि जेंडर यहाँ पर कैसे रोल में है। जैसे अपने घर में भी अगर मैं बातें कर रही हूँ, तो मम्मी ऐसे कोई बात कह रही है पापा से कि लड़कियां है ना ऐसे करना पड़ता है लड़कियों के केस में, तो क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ जेंडर का कॉन्सेप्ट, तो मैं रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ यहाँ पे भी स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। लड़की है तो क्या, लड़कियों के मामले में ऐसा करना पड़ता है, ऐसे ऐसे टर्म्स आप घर में सुनोगे, बाहर सुनोगे, तो जहां पे भी आप जा रहे हो सारे टाइम अपना कान और दिमाग खुले रखो कि कहाँ जेंडर अप्लाई हो रहा है। ऐसे करने से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप होगी, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीपली डेवलप होगा, और अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहो। स्कूलों में भी आप जाओगे, ऐसे आप बहुत सारी चीजें देखोगे, स्कूल्स में भी टीचर्स के साथ फर्क होता है, मेल टीचर्स जो होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है, छुट्टी टाइम होती है उससे पहले निकल जाते हैं, फीमेल टीचर्स को बोला जाता है कि आप इतने टाइम तक रुको फिर जाना, ऐसे कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि मेल टीचर्स पे अलाउ होते हैं, फीमेल टीचर्स पे नहीं होते। ऐसी ही चीजों को सोसाइटी में बदलना है, और ये जो हमारा नया देशभक्ति करिकुलम आया है जो अरविंद केजरीवाल जी लाए हैं, तो उससे होपफुली काफी मॉरलिस्टिक डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट होगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आए और आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। स्टार्ट करते हैं सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जेंडर। सो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के हिसाब से भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज द अनइक्वल और डिसएडवांटेज इन ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन जेंडर। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रेजुडिसेस होती हैं, जो आपके दिमाग में पहले से जो आपकी बिलीफ सिस्टम चल रहा होता है, प्रेजुडिस होती है आपकी, ये सारी चीजें जो होती हैं ये दिमाग के लेवल पे है, मेंटल लेवल पे चल रही हैं, लेकिन अगर आप उनको प्रैक्टिस में लाओ तो वो होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे आप देखोगे घर में अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरों में आप क्राइम पेट्रोल देखते होगे टीवी में, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है महिलाओं के खिलाफ कि अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया, और सोसाइटी उसको जस्टिफाई कर देती है। जैसे एक मूवी बनी थी पीछे थप्पड़, तो उसमें क्या हुआ था कि वो हम लोग स्टार्टिंग में बोलते कि क्या हो गया, एक थप्पड़ ही तो मारा था, जस्ट अ स्लैब, बट क्यों, ऐसा किसने परमिशन दे दिया कि एक जेंडर जो है वो दूसरे जेंडर पे अथॉरिटी रखता है, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आप अनइक्वल या डिसएडवांटेज ट्रीटमेंट करते हो एक जेंडर का दूसरे जेंडर पे, तो ये आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है। डिसएडवांटेजनेस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गलत हो रहा है उनके साथ, डिसएडवांटेजनेस पोजिशन पे है वो एट वर्क एंड स्कूल। ऐसा बोला जाता है what goes around comes around, मतलब कि जो आप अपने आसपास देखोगे वही आपके साथ भी होगा। सो आप यहाँ देखते हो कि स्कूल्स में भी जो होता है, जैसे लड़कियां जो होती हैं उनको बोला जाता है कि बेटा आप ना स्कूल में रंगोली मेकिंग कंपटीशन होगा तो आपको डेकोरेशन का काम संभालना है, लड़कों को बोला जाता है कि वो बड़े बड़े स्टूल्स है ना उनको उठा के वहां रख दो। ऐसा क्यों करा है हमने, क्यों डिवाइड कर दिया कि लड़कियां क्यों उन बड़े बड़े स्टूल्स को क्यों नहीं उठाती, लड़कियों को क्यों नहीं बोलते कि बेटा डेस्क उठाओ और वहां रखो, या लड़कों को क्यों नहीं कहते कि रंगोली कॉम्पिटिशन का है आपको पार्टिसिपेट करना है। और अगर कोई लड़का जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी होगा ना, बेचारा डर के मारे वहीं बैठ जाएगा, सहम जाएगा कि मैंने किसी को बोल भी दिया कि मुझे रंगोली मेकिंग में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो सब मुझे लड़की 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 है ऐसे करके छेड़ेंगे। सो ये जो है, ये जो भी हम स्कूल्स में देखते हैं, जो वो हमारे डेली लाइफ में होता है, वो हमें स्कूल्स में, अपने वर्क प्लेस में भी दिखेगा। तो गर्ल्स को मॉडेस्टली ड्रेस करना चाहिए, स्पेशली अगर आपने निर्भया का केस देखा होगा, तो वो लड़की ने ना पूरे कवर्ड कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। सो ये जो चीजें हैं हम जो आसपास देखते हैं, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी डेवलप्ड है अच्छे से। अब मॉडेस्टली ड्रेस अब क्या होता है, कौन बताएगा, कौन डिफाइन करेगा, स्कर्ट मॉडेस्ट नहीं है और साड़ी मॉडेस्ट है।
एंड दे नॉट टू स्टे लेट एट नाइट, बाहर ज्यादा टाइम नहीं रहना, मतलब लड़कियों का टाइम घर से 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती, तो किसने ये टाइम सेटअप किया? अगर लड़कियों को ही प्रोटेक्ट करना है, इससे बेटर क्या है कि लड़कों को ही बाहर भेजना बंद कर दो। फिर पीपल आर ऑफन जस्ट बाय हाउ वेल दे अडेयर टू द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर कोई लड़की घर में अलाउड नहीं है शॉर्ट्स पहनना, तो उनको कहा जाता है कि आप ऐसे रहो, आपके घर पे क्या सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं कि ये कपड़े पहन के बाहर निकलोगे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के बेसिस पे, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे, इनके आधार पर लोग आपको जज करते हैं कि ये किस तरह की थिंकिंग रखता है, इस तरह की फैमिली को बिलोंग करता है। These stereotypes can often bleed out in the schools and work. ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि जैसा हम देखते हैं अपने आसपास, वही हमारे स्कूल्स में और हमें वर्क प्लेस में भी दिखेगा। Where girls are less likely to be encouraged in science and technology. मतलब साइंस में टेक्नोलॉजी में कम रखोगे लड़कियों को, और लड़कों को कहोगे कि तुम जाओ इंजीनियरिंग, लड़कियां क्या करेंगी, मेडिकल साइंस करेंगी या होम साइंस करेंगी, और लड़के करेंगे इंजीनियरिंग। जैसे कि आपने 3 इडियट्स में भी देखा होगा, लीडरशिप रोल्स ड्यू टू द परसीव्ड मेल नेचर ऑफ दीज परसूट्स, ऐसे बोला जाता है कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। तो साइंस में जो मैथ्स है वो लड़कों का सब्जेक्ट है, और होम साइंस जो है वो लड़कियों का सब्जेक्ट है। Likewise, seemingly positive gender stereotypes and gender roles as men being provider and protector. एक मेल जो है वो रक्षक है और फीमेल जो है वो नर्चरर है, ऐसा बोला जाता है। फीमेल नर्चरिंग करती है और मेल जो है वो प्रोवाइड करता है फैमिली के लिए। इसको हमने एक बड़ा ही बहुत ज्यादा पत्थर की लकीर बना के चलता आ रहा है आज तक, जो कि चेंज होना चाहिए। और कहीं ना कहीं लड़कों के ऊपर ना एक अननेसेसरी बर्डन बना देता है, कि ऐसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि फार्मर्स जो होते हैं ना, क्योंकि वो बीज अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप्स अच्छे नहीं आए, तो उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। अब उनकी फैमिलीज में फार्मर, मेल फार्मर ने सुसाइड, किसान ने क्यों सुसाइड करी? क्योंकि उसके सर पे, उसके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया गया कि उसने सुसाइड कर ली, एक अननेसेसरी बर्डन क्रिएट कर दिया। जहां एक मेल बाहर जाके काम कर सकता है, वहां फीमेल भी कर सकती है, बर्डन डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नॉर्म्स को फॉलो करना है, जो सोसाइटी में चल रहा है उसको फॉलो करना है, ताकि हम बुरे ना दिखें, ताकि हमारी इमेज बनी रहे सोसाइटी में। मेन एंड बॉयज दैट कुड बी मोर पॉजिटिवली बी शेयर्ड एज एन इक्वल पार्टनरशिप, एक इक्वल पार्टनरशिप होनी चाहिए ना। अगर आप फॉरेन कंट्रीज के केस में देखें तो लड़कियां जो है ना वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, एक्टिव वो रहती हैं, और उनको कभी कोई नहीं बोलता कि तुम्हें नहीं करना ये काम, ये लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का काम है बाहर जाना। तो वहां का GDP भी ज्यादा है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा है। इंडिया का GDP कम क्यों है? क्योंकि इंडिया में आधी 50% मेल्स 50% फीमेल्स, जिन 50% फीमेल्स में से भी मुश्किल से 10 या 15% फीमेल्स आज के डेट में काम कर रही हैं, बाकी सारी घर बैठी हैं। तो अगर आपको GDP बढ़ाना है, तरक्की करनी है, तो डेफिनेटली अपनी लड़कियों को बाहर भेजो, और हो सकता है बेटर ही आउटकम आए उसका, क्योंकि ऑब्वियसली दो ब्रेन्स एक ब्रेन से बेटर होगा। अब ऑब्जेक्टिफिकेशन, पहली कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ी थी वो थी वर्क एंड स्कूल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिफिकेशन। आपने ये गाने सुने होंगे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, या फेविकॉल से, इसमें एक लाइन है गाने में, तंदूरी मुर्गी है गटका ले, ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे लिरिक्स बनाए गए हैं जिससे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसको चीज बोला जा रहा है, उसको माल बोला जा रहा है। अब ऐसे जो डिमीनिंग, जो ऐसे गंदे टर्म्स हैं जो लड़कियों के यूज करते हैं, उससे क्या होता है, लड़कों के दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये जो है ना लड़की जो है उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी किसी की, उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, और उसको देख देख के मैं बड़ा हुआ, और फिर मैं NGO मैंने एक ज्वाइन किया, वहां पे मैंने देखा कि ये तो गलत है, जो हमारे घर में हो रहा था वो गलत था। पहले मैं भी अपनी मम्मी से बहुत ऊंची आवाज में बात करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं NGO गया, नई नई चीजें सीखी, देखा कि कैसे ये जो जेंडर के कॉन्सेप्ट थे, उस मेरा बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे हिलने लगा, और मुझे समझ आने लगा कि ये जो चीजें हैं हमारी सोसाइटी में आसपास जो हैं, उनको बदलना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने अपने घर के अंदर परिवर्तन लाए, अपने पापा को समझाया कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। सो ऐसी ऐसी जो मिस इंटरप्रिटेशन है लोगों के दिमाग में, गलत गलत ख्याल है कि लड़कियां चीज है, माल है, ऐसे ऐसे टर्म्स को हमें नहीं यूज करना चाहिए,
है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा बिकता है, पढ़ाई की किताबों से ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग पीछे भागते हैं और हम उनको रोल मॉडल्स बनाते हैं। और ऐसे लोगों को जिनको हम रोल मॉडल्स बनाते हैं, जैसा वो हमारे को दुनिया का नजरिया दिखाते हैं, जैसी दुनिया हमें दिखती है वैसे ही हम अपनी दिमाग को ऐसे समझाते हैं। तो ये चीज हमें रोकनी है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को रोकना है, ट्रेडिशनल रोल्स से हटकर कुछ नया करना है, इस ग्लास सीलिंग को जो हमने बना दिया ना अपने आसपास उसको तोड़ना है। जेंडर इक्विटी, अब जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी दोनों अलग टर्म्स हैं। आपको पहले मैं एक फोटो दिखाती हूँ, उससे आपको बेटर समझ आएगा, फिर मैं आपको जेंडर इक्विटी का कॉन्सेप्ट और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। इस फोटो में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मेल है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, यहाँ एक छोटा बच्चा है मीडियम हाइट का और एक और छोटा बच्चा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इक्वालिटी है, दोनों तीनों सेम लेवल पे खड़े हैं। यहाँ पर आप देखो तीनों का लेवल क्या है, एक का लेवल कम है, दूसरे को थोड़ा सा ऊपर और तीसरे वाले को सबसे ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर बेटर व्यू मिल रहा होगा क्रिकेट का या यहाँ पर मिल रहा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हर एक को अपनी अपनी क्षमताओं, अपनी अपनी हाइट्स, अपने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंस, हेल्प मिली हुई है, सहारा मिला हुआ है, सहायता मिली हुई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पे इक्विटी है, जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ इक्विटी की, वो यहाँ पर है। समता, लिंग समता और समानता यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पर किसी को कोई स्पेशल फीचर्स, कोई स्पेशल हेल्प नहीं मिली, कोई असिस्टेंस नहीं मिली, यहाँ पर सब एक ही लेवल पर है, एक ही प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अगर हम सबको, लड़कों और लड़कियों को एक ही प्लेटफॉर्म दे दें तो शायद लड़कियों की सिचुएशन हम ठीक नहीं कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन, लेकिन थोड़ी सी असिस्टेंस देने पर हम उनकी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। अब हम एक बार वापस आ जाते हैं जेंडर इक्विटी पर, कि जेंडर इक्विटी की क्या डेफिनेशन होती है। जेंडर इक्विटी मींस फेयरनेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। दिस मे इंक्लूड इक्वल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट दैट इज डिफरेंट बट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड बेनिफिट्स। हम एक छोटी हाइट वाले को ऊंची हाइट दे रहे हैं ताकि दो लोगों का लेवल सेम हो जाए। ऊपर से अगर हम देखें, नीचे से दोनों का लेवल सेम नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री है उसका काफी प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की सिचुएशन पास्ट में बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट की जरूरत है ताकि वो अपनी सिचुएशन को ठीक कर सके। तो उनको इक्वालिटी जैसी ट्रीटमेंट दे देना या ऐसे सहारे प्रोवाइड कर देना जिससे वो इक्वल हो जाए इन टर्म्स ऑफ उनके राइट्स, उनके बेनिफिट्स, उनके जो ऑब्लिगेशंस है, उनके लिए जो नए नए नियम बनाए जाते हैं जिससे उनको असिस्टेंस मिले। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी चीजें क्यों आई हैं, क्योंकि लड़कियों को बाहर निकालने के लिए, वरना घर के दायरे में सीमित रह जाएंगी वो। और एक और है नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो एक नई स्कीम आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन 2001 में। ऐसे इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट क्यों ले रही है, ताकि लड़कियों की जो सिचुएशन है ना टाइम के साथ साथ डेवलप होते हुए वो इक्वालिटी के लेवल पे अपने आप पहुंच जाए। उनको सहारे की जरूरत है थोड़े से और वो अपने आप पहुंचेंगी। यहाँ पर आप ये फोटो देखो, बच्चा यहाँ पे रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, यहाँ पर वो झाड़ू लगा रही है मम्मी, और इधर से बेटी को भी पढ़ा रही है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशंस को संभालने वाली एक औरत और एक मेल जो सोफे पे आराम से पड़ा हुआ है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कह रहा है कि इंडिया का 114वें पोजीशन पे इंडिया आई है, कितनी कंट्रीज में, 142 कंट्रीज में। और कहाँ है हमारी जेंडर इक्वालिटी? खाली सोफे पे पड़े रहने से आप ये नहीं कह सकते कि आप बदलाव लाओगे। चेंज करना है, बदलाव लाना है, तो पहले खुद में परिवर्तन लाओ, अपने घर में परिवर्तन लाओ। ब्रिंग द चेंज इन द हाउस होल्ड, अपने घर में चेंजेस लाओगे तब आप सुधार, समाज को सुधार सकते हो। तो जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता क्या होता है, इट मींस मेन एंड वुमेन हैव इक्वल कंडीशंस फॉर रियलाइजिंग देयर ह्यूमन राइट्स। मतलब पूरे राइट्स को आप सेम अपॉर्चुनिटीज के साथ, सेम करेज के साथ कर रहे हो फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। समाज में इकोनॉमिक लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे, पॉलिटिक्स के, मतलब हर लेवल पे, हर श्रेणी में, हर सिचुएशन में, चाहे वो पैसे के तौर पे हो, इकोनॉमी के तौर पे हो, कल्चर के तौर पे हो, पॉलिटिक्स के तौर पे हो, हर जगह आपको वुमेन को और मेन को सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि वो समाज में अलग अलग लेवल्स पे सुधार ला सके। मतलब मेल्स और फीमेल्स बराबर है, ये होता है इक्वालिटी। लेकिन पहले इक्वालिटी लाने से पहले आपको क्या लानी पड़ेगी, इक्विटी। तो यहां पर आप ये देख रहे हो ही फॉर शी मूवमेंट। ही फॉर शी मतलब
जहाँ पे मेल्स ने फीमेल्स के लिए इक्वालिटी लाने के लिए अपना स्टैंड लिया है। ये जो आपको फोटो दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ही फॉर शी कैंपेन, ये यहाँ पे पहली बार यूएन लाया था, यूनाइटेड नेशंस लाया था महिलाओं के लिए, और इंडिया में ये प्रमोशन करने के लिए मुंबई में जहाँ इसका प्रमोशन हुआ था, फरहान अख्तर आए थे। ही हैज रोप्ड इन टू बी द एम्बेसडर ऑफ द कैंपेन, मतलब इनको एम्बेसडर बना दिया था कैंपेन का। और आपको ये भी पता होगा कि एक मर्द नाम की उनकी अपना कैंपेन है जिसको वो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए उन्होंने गाना भी बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पर जाके चेक कर सकते हैं, मेन एंड बॉयज ऑफ इंडिया नीड टू बी अ पार्ट ऑफ ही फॉर शी कैंपेन। अगर आपको महिलाओं की सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो मर्दों को आपको, मेल्स को आपको एनकरेज करना होगा कि उनके लिए स्टैंड लें, क्योंकि अगर अपने दम पे उनको छोड़ देंगे तो शायद वो उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव ना कर सकें। और ये जो ऐसे मेल्स थे जो ओपन माइंडेड हैं, जो कि फीमेल्स और मेल्स में बराबरी लाना चाहते हैं सोसाइटी में, ऐसे कैंपेन्स उनके लिए हैं। और इट इज टू टेक द स्टैंड अगेंस्ट द जेंडर इनइक्वालिटी, जो लिंग के आधार पे असमानता है उसको कम करने के लिए ये कैंपेन लाया गया था। ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए, ऐसे कोई क्वेश्चन सीटेड में नहीं आएंगे, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग और डेली लाइफ से रिलेट करने के लिए ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल है कि एक ट्रू स्टोरी पे इससे इंस्पायर्ड है, आईपीएस ऑफिसर थी कंचन चौधरी, जो कि उनके ऊपर एक सीरियल भी आया था उड़ान, डीडी नेशनल पे आता था ये सीरियल, उस टाइम पे आता था जिस टाइम पर लड़कियों की सिचुएशन बहुत ज्यादा एडवर्स हम कह सकते हैं थी, या जब वो बहुत ज्यादा काबिल नहीं थी इतनी ज्यादा, जितना आज डेवलपमेंट हो चुका है उतनी नहीं थी। ऐसी जो सीरियल्स हैं जैसे कि उड़ान है जो आप टीवी पे देखते हो, और या फिर एक आता था सीरियल दिया और बाती हम, जिसमें डॉक्टर्स जो, जिसमें आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी थी, जो कि अपने पति के, जिसके पति ने उसको सपोर्ट करा था और वो आगे आईपीएस ऑफिसर बनी थी। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर जब हमारे टेलीविजन वाले आते हैं तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर मेल्स फीमेल्स के सपोर्ट में खड़े हैं, यहाँ पे या फिर जहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैंडिडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर आपके सामने आता है, ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे सिनेरियोस से आप कह सकते हो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। और ना कि वो वाले गाने जो हमने पीछे देखे थे जहाँ पे फीमेल को बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई करके रख दिया जाता है। जेंडर पैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अब मैंने ये एक चीज समझानी है, अगर हिंदी में आप सर्च करोगे या हिंदी में जब पेपर आएगा तो जेंडर पैरिटी और जेंडर इक्वालिटी को हिंदी में हम कहते हैं लिंग समानता, तो सेम सेम टर्म्स रहेंगे तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बेटर होगा कि आप दोनों को अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश वाले पार्ट को भी पढ़ो और हिंदी वाले पार्ट को भी पढ़ो। जेंडर पैरिटी इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर फीमेल टू मेल और गर्ल टू बॉय रेशियो इंडिकेटर्स सच एज इनकम और एजुकेशन, मतलब कि समाज में जो महिलाएं हैं और जो मेल्स हैं उनका क्या, कितनी हिस्सेदारी है, जितनी महिलाएं स्कूल में पढ़ने जा रही हैं और जितने मेल स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो बराबर हैं या फिर उनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है। तो जेंडर पैरिटी का अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल देना हो तो मान लेते हैं स्कूल में 10 लड़कियां हैं जो स्कूल में 12th क्लास के बाद पास आउट होती हैं, और ऐसे ही 10 लड़के हैं जो 12th क्लास के बाद पास आउट होते हैं, तो जेंडर पैरिटी कितनी हो गई, 1, इसका रेशो कितना आ गया, 1, ये हाईएस्ट रेशो है। ऐसा होता नहीं है, बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इंडिया का देखो, इंडिया में देखो 0.65 से 0.70 के बीच में है। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर इंडिया का केस देखें तो 6.5 आउट ऑफ 10 लड़के, अगर 10 लड़के जा रहे हैं तो उनपे 6.5 या 7 लड़कियां जो हैं 12th क्लास पास करती हैं, तो ये जो 3% लड़कियां हैं ये बीच में कहीं रह जाती हैं, ड्रॉप आउट कर जाती हैं या पूरी शिक्षा कहीं किसी अलग अलग रीजन से पूरी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर आपको जेंडर पैरिटी नहीं दिखेगी, जबकि यहाँ पर आपको जेंडर पैरिटी दिखेगी। तो आप यहाँ पे कैसे जजमेंट पास कर सकते हो कि प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन या 12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जेंडर पैरिटी है इंडिया में या नहीं है। और ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज द लोअर इज द जेंडर पैरिटी, जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा, अब जैसे यहाँ पर 3 का गैप है
ये आपको खाली वैल्यूज दी गई हैं, 3 का गैप नहीं है, तो गैप्स जो है वो 30% का गैप है जैसे यहाँ पर, तो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा ये पूरी की पूरी वैल्यू गिरती जाएगी, तो जेंडर पैरिटी की वैल्यू गिरती जाएगी। हमारा एम है 1:1 तक पहुंचना, लेकिन ये एम अभी पूरा नहीं हुआ है। जेंडर पैरिटी इज यूजफुल टूल फॉर असेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन स्पेसिफिक एरियाज, इन सेटिंग गोल्स एंड इन असेसिंग चेंज एंड प्रोग्रेस अंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में बदलाव लाने की जरूरत है, और ये बदलाव कब लाएंगे, जब हमें पता होगा कि हमारा लेवल क्या है, और ये लेवल हम कब देखेंगे, जब हम ऐसी स्टडीज कैरी आउट करते हैं जहां पे हर साल देखा जाता है कितने लड़के कितनी लड़कियां स्कूल जाते हैं या वर्कफोर्स में हैं, कितने लड़के हैं जो आज की डेट में टीचिंग लाइन में जाते हैं, कितनी लड़कियां हैं आज की डेट में जो पायलट बनती हैं। ऐसी स्टडीज की जाती हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कहां इनइक्वालिटी है, किन किन एरियाज में स्पेसिफिकली इनइक्वालिटी है। सो आज के लिए हमारा जो जेंडर का कॉन्सेप्ट था वो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रिपेयरिंग।